कोरोना वायरस के चलते देश भर में जनता कर्फ्यू नाफिज किया गया। हुकूमत की जानिब से मिलने वाला राशन का अनाज में दुकानदारों की कालाबाजारी जोरों पर चल रही है। राशन लाभार्थियों को दुकानदार की जानिब से सताया जा रहा है। गरीब आवाम को इनके हक का अनाज नहीं दिया जाता और गरीब आवाम को कर्फ्यू में भी राशन दुकानदारों की तरफ से घुमाया जाता है। आज खड़कपुरा पक्की चाल में एक गरीब खातून की फरियाद सुनकर बहुत बुरा लगा। ये खातून ने कहा, मुझे दुकानदार की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा अनाज दूसरी दुकान पर है, तुम वहाँ से अनाज ले लो, तुम्हें यहाँ अनाज नहीं मिलेगा। इसके बाद ये खातून अपने हक का अनाज लेने के लिए जाती है तो इसको कर्फ्यू में पुलिस का सामना करके और दुकान के 2 से 3 चक्कर लगाने के बाद, जबकि 200 से 300 रुपये खर्च आने और जाने में लगने के बाद 15 किलो राशन का अनाज लेकर सहमत होती है। हुकूमत की जानिब से पोर्टेबिलिटी कानून बनाया गया। राशन का माल ऑनलाइन होने के बाद कोई भी लाभार्थी महाराष्ट्र में किसी भी कोने से अपना अंगूठा लगाकर अपने हक का अनाज ले सकता है, लेकिन दुकानदार पोर्टेबिलिटी करने से सख्त मना करता है। यहाँ ये सवाल उठता है, ज़िला इंतज़ामिया खामोश क्यों है? क्या इन लोगों पर कार्रवाई ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से की जाएगी और गरीबों को इंसाफ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। अनवारी भी हम शिवनगर में रहते, हमारी कोपन की दुकान पहले वहाँ पे थी, हम पहले राशन वहाँ पे लेते थे, अब वो फार्म आओ भरे क्या वॉलेट क्या बोलते वो समझ में नहीं आता, तो इधर हमारी दुकान आ गई तो यहाँ पे हमको अब वहाँ कर 2 दिन से जाके ही तो राशन नहीं दिया उन्हें, इतनी दूर हमको आना पड़ा। नगर से गंगा चाल में दुकान है, उतने दूर हमको आना पड़ता, कभी ऑटो मिलता कभी नहीं मिलता, 100 रुपये तो ऑटो कुछ लगते हमको यहाँ पे, फिर वो राशन हमको 2 रुपये किलो वाला क्या पड़ रहा है यहाँ पे, कभी फिर दुकान बंद रहती कभी नहीं रहती, 2 चक्र 3 चक्र होते दुकान को आने के वास्ते उतने दूर से शिवनगर से। दुकान नंबर 107 है, शिवनगर में है, हम 2 दिन से जा रहे उसके दुकान पे तो हमको राशन दे रहा नहीं, उन्हें बोला तुम्हारी जहाँ दुकान है आउटलेट करे वाला है वहाँ पे जाकर राशन दो, तो हमको इतने दूर अब आना पड़ रहा था, बहुत आते आते पुलिस भी रोक रही हमारे और उन्हें राशन हमको दे रहा नहीं।